लखनऊ से, जहां पर बीजेपी की चुनावी रैली, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा में, सीएम योगी भी चुनावी रैली में शामिल हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। वाराणसी संसदीय सीट पर अपना नामांकन करके एक बार देश को और दुनिया को बताया है कि जब कोई व्यक्ति बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए काम करेगा, देश के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य करेगा, देश का सम्मान बढ़ाएगा, तो देश की जनता सिर आंखों पर कैसे बिठाती है। कल वाराणसी का प्रधानमंत्री मोदी जी का रोड शो आपने देखा होगा, जनता लाखों की संख्या में उमड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत के लिए सड़कों पर उतर उठी। और इस लक्ष्य को जो हम आज कह रहे हैं कि सुनामी बनकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनाने के लिए उतावली दिखाई दे रही है, वह हम सबको वहां पर कल एक लहर, एक झलक हम सबको वाराणसी में देखने को मिला। बहनों भाइयों, हम लखनऊ वासियों का यह सौभाग्य है कि सदैव अटल जी ने जो सपना देखा था लखनऊ के लिए, वह सपना आदरणीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में एक एक करके साकार हुआ। याद करिए, सदैव अटल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा आदरणीय रक्षा मंत्री जी के ही आह्वान पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्य सचिवालय के मुख्य भवन के सामने सदैव अटल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा प्रदेश के अंदर लगी है। प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी इसी लखनऊ में स्वर्गीय अटल जी के नाम पर भी हुआ और वह काम भी करना प्रारंभ कर दिया है। लखनऊ की यातायात की रीढ़ और लखनऊ के विकास और प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग, जब माननीय राजनाथ सिंह जी केंद्र में सड़क परिवहन मंत्री थे तब किसान पथ का उन्होंने शुभारंभ किया था, और जब रक्षा मंत्री हैं तो उन्होंने किसान पथ के रूप में आज लखनऊ की विकास की रीढ़ बन रहे इस किसान पथ की सौगात भी लखनऊ वासियों को दिया। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ, हम लखनऊ के बारे में कभी सोचते थे कि लखनऊ के स्टेशन पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि मुस्कुराए आप लखनऊ में हैं, लेकिन मुस्कुराने लायक कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखती थी, लेकिन आज स्मार्ट सिटी के रूप में लखनऊ ने जो नए प्रतिमान स्थापित किए हैं वह भी आपके सामने है। और जब हम भारत की सुरक्षा की बात करते हैं, नया भारत सुरक्षित है इसलिए है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में आज रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता हम सबके सामने है, और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का केंद्र भी लखनऊ हो चुका है। यहां पर बनने वाली मिसाइल जब भारत की सीमाओं पर घुसती है तो दुश्मन के छक्के छोड़ते हैं और दुश्मन भी कहने के लिए मजबूर हो जाता है, अगर कोई पटाखा कहीं फट जाए तो पाकिस्तान भी अब कहता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि लखनऊ में बनने वाली मिसाइल का अगर मुंह कहीं उधर हो जाए तो फिर क्या होने वाला है। बहनों भाइयों, ये नया भारत है, और इस नए भारत ने करके दिखाया है कि हम 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान भी बढ़ाएंगे, भारत की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी करेंगे, भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान भी करेंगे, और विकास के लिए सभी बड़े कार्य, हाईवे हो, रेलवे हो, मेट्रो हो, आईआईटी हो, आईएम हो, एम्स हो, या फिर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सप्रेसवे के रूप में हम सबको दिखाई दे रहा है। लखनऊ में तो आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी जुड़ रहा है,
किसान पत्र ने भी इसको एक नहीं कभी किए। ग्रीन कॉरिडोर जो लखनऊ के अंदर स्वयं यहां की यातायात की समस्या का समाधान कर रहा है और लखनऊ की पहचान मां गोमती को भी पुनर्जीवित करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं और उस एसपीपी का शिलान्यास और शुभारंभ भी आदरणीय रक्षा मंत्री जी के ही कर कमलों से हुआ है, जो शीघ्र पूरा होने वाला है, जो गोमती नदी को एक नया जीवन देने वाला है। बहनों भाइयों, अपने लोगों के प्रति और संसदीय क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता क्या होती है, यह हमने माननीय रक्षा मंत्री जी के कार्यों से देखा है, सीखा है, जाना है। भारत के रक्षा मंत्री के रूप में पूरे देश की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की सुरक्षा के मुद्दों पर प्रभावी ढंग से भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भी उन्होंने लखनऊ की जनता को अपना पूरा समय दिया। हर विकास की छोटी बड़ी कार्यों के प्रति चिंतित रहते हैं, लगातार उन पर रुचि लेते हैं। यहां के एक एक व्यक्ति के साथ पिछले उनके 47 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में उनका जीवन का जो एक लंबा अनुभव है, आज उस अनुभव का लाभ हम प्रदेशवासियों को और हम भारतवासियों को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, ये केवल चुनाव और चुनाव नहीं है। चुनाव हर चुनाव में राजनीतिक दल अपने वायदे करते थे, घोषणा पत्र निकालते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं अपना संकल्प पत्र जारी करना प्रारंभ किया और पहली बार हो रहा है, जो कहेंगे सो करेंगे। कहा गया कि हम कश्मीर में धारा 370 हटाएंगे, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेंगे, आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। बहनों और भाइयों, कहा गया रामलला हम आएंगे, रामलला हम आएंगे, और बन गया ना, अभी कोई संदेह है क्या? मैं देख रहा था 22 जनवरी को लखनऊ की सड़कों पर क्या माजरा था, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर झूम रहे थे, हरि कीर्तन गा रहे थे, दीपावली मना रहे थे। यह दृश्य ऐसे लगता था जैसा त्रेता युग फिर से साक्षात धरती पर आ गया हो। और भैया, जन्म जन्म का नाता है राम के साथ हम सबका, एक एक श्वास राम के साथ जुड़ी हुई है, राम के बगैर हमारा कोई काम नहीं। और जो राष्ट्रभक्त है वह राम के इस काज के साथ जुड़ा हुआ है। जो लोग बोलते थे और आप भी बोल रहे हैं, जिन्हें देश की प्रगति अच्छी नहीं लगती उन्हें राम मंदिर भी अच्छा नहीं लग रहा है। कोई कहता राम मंदिर बेकार बना, कोई कह रहा है कि भारत के अंदर ये कांग्रेस के जो बुद्धिदाता है वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूं, राम मंदिर का निर्माण भारत के अंदर अयोध्या में नहीं होगा तो क्या हम इटली में करेंगे क्या? ये पूछना चाहिए उनसे। बहन और भाइयों, भारत के अंदर राम को नकारने का मतलब भारत की वास्तविकता को नकारना और भारत को अपमानित करना, भारत की श्रद्धा को अपमानित करना। और इसीलिए आज पूरे देश के अंदर एक ही बात से लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं। और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में तो आज आपने देखा होगा हमारे अभिभावक के रूप में माने रक्षा मंत्री जी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में, भारत सरकार के रक्षा मंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका जो मार्गदर्शन और अनुभव रहा है, आज वो प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश को अपराध मुक्त करने के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए, प्रदेश के व्यापारियों के लिए,
प्रदेश की बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए वह हम सब के लिए एक मानक बनता है, एक आदर्श बनता है और उस प्रपाटी का अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो अयोध्या में रामलला के दर्शन भी होते हैं और बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी एक साथ निकल जाती है। बहनों भाइयों, मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, भारत का और दुनिया का हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि काशी में मोदी जी और लखनऊ में माननीय राजनाथ सिंह जी के जीतने में कोई संदेह किसी को नहीं है, प्रचंड बहुमत से भी जीतना है। लेकिन बहनों भाइयों, रिकॉर्ड टूटना चाहिए, इस दिशा में हम सबको कार्य करना होगा, रिकॉर्ड टूटना चाहिए। इसके लिए आज मैं कैंट विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के बीच में यहाँ के माननीय विधायक की उपस्थिति में आया हूँ आपसे आह्वान करने के लिए और मैं इसलिए कहने के लिए आया हूँ, यद्यपि यह माननीय राजनाथ सिंह जी की सदाशयता है, उदारता है कि देश भर में उनके कार्यक्रम लगे हैं, उनकी व्यस्तता है, हर जगह उनकी उपलब्धता भी है, हर जगह वे जा रहे हैं, उस सब के बावजूद लखनऊ के लिए भी वे समय निकाल रहे हैं। आज ही सुबह वाराणसी में थे और वाराणसी के बाद फिर वे लखनऊ में आए, लखनऊ में आने के बाद कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं। मुझे लगता है लखनऊ वासियों की जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम आदरणीय रक्षा मंत्री जी से कहें कि आप देश के अंदर संभालिए, क्योंकि देश के अंदर आपको देश का नेतृत्व देना है, देश को आप संभालिए, लखनऊ हम संभालेंगे, लखनऊ में एक एक व्यक्ति, एक एक मतदाता, उनके लिए एक एक वोट को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए अपना योगदान देगा। क्या आप सहमत हैं? क्या लखनऊ वासी सहमत है? पीछे तक मैं आह्वान करूंगा, क्या सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग घर घर जाएंगे, पंचम चरण में जब 20 मई को मतदान हो रहा होगा तो बहनों और भाइयों, क्या आप में से हर व्यक्ति, हर युवा, हर नौजवान, हर व्यापारी, हर बेटी, हर बहन, क्या घर घर जाकर के मोदी जी और माननीय रक्षा मंत्री जी का प्रतिनिधि बनकर के एक एक मतदाता को कमल खिलाने के लिए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, क्या घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए आप लोग लगेंगे, घर घर जाएंगे, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, हाय हाय साला, हट नीचे नीचे। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, लखनऊ में चुनावी रैली में शामिल हुए सीएम योगी और साथ में आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक वहां पर मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मंच पर उनसे बातचीत करते हुए